रहीम, हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक इल्यूमिनेटर का रिव्यू, जो कि कैसा है वो आज आपको पता चलने वाला है। तो मैंने लिया है आइकॉनिक लंदन का इल्यूमिनेटर, जो कि शेड, और मैं आपको उसका बता दूँ तो ये ओरिजिनल का दावा करते हैं कि ये ओरिजिनल है, ठीक है। और ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, इनके डब्बे पर लिख कर आया है कि 2.0 ओरिजिनल है, और ये कैसा है वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बने रहिए वीडियो में, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। और अगर आप भी ख़रीदना चाह रहे हो कुछ इस टाइप का इल्यूमिनेटर, तो देखते हैं कि आप ख़रीदना है कि नहीं, कैसा है वो मैं आज आपको बता दूँगी, ठीक है। तो अब मैं बात करती हूँ इसके शेड की, जो कि है पिंक कलर का। मैंने ऑर्डर किया था, इन्होंने मुझे भेजा है बेज कलर। अगर मैं बात करूँ तो ये इन्होंने आयरन ऑक्सीडाइज टाइटेनियम डीऑक्साइड का ये जो कंटेंट्स है, तो ये कैसा है मैं आपको दिखा देती हूँ। जबकि मैंने जो इसको ऑर्डर किया था तो ये पिंक शेड में था, लेकिन आया तो यार कुछ अलग ही है। बट कुछ नहीं, फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ ये कैसा है कैसा नहीं, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको ड्रॉप फॉर्म में मिलता है, तो अभी मैं इसका आपको रिव्यू दिखाऊँ। तो ओवरऑल ठीक ठाक बोलूँगी, क्योंकि इसमें ऐसा कोई इल्यूमिनेटिंग एक्सट्रैक्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं। नज़दीक से दिखाती हूँ, इसमें इतना बहुत ज़्यादा भर भर के तो इल्यूमिनेटर वाले एक्सट्रैक्ट नहीं हैं, लेकिन एक अगर आप बेस तैयार करोगे तो उसके लिए ये ठीक है। तो अगर आप इसको लेना चाहो तो मेरे ख्याल से आप ले लेना। और मैंने जो पिंक कलर का इसका ऑर्डर किया था, तो मैं पिंक पिंक चीख रही थी कि मुझे पिंक चाहिए, लेकिन ये जो शेड आया है इन्होंने जो मुझे भेजा है ऑसम है। मैं आपको दिखाऊँ कौन सा है, ये है देखिए आप। तो लगाने के बाद कुछ इस तरीके से ये मिला है मुझे, देखो। एंड मतलब ओवरऑल ठीक ठाक है। अगर ओरिजिनल लिख रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये ओरिजिनल है। बट इतने कम पैसों में 250 रुपये में यार ये रियल मुझे लगता है मिलेगा भी नहीं। तो अगर ये रेप्लिका है तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ही शाइन दे रहा है। आप नॉर्मल स्किन हो इसमें देखो, तो अगर आपको अच्छा लगे ये प्रोडक्ट तो आप ख़रीद सकते हो। और मैं इसे 10 में से 7 मार्क्स देना चाहूँगी, तो 7 मार्क्स इनफ है, ज़्यादा लग रहे हैं मुझे तो फिर भी। लेकिन अगर प्राइस के अकॉर्डिंग बात करो तो ठीक है यार 7 मार्क्स। तो अगर आपको ये हाइलाइटर या इल्यूमिनेटर लिक्विड फॉर्म में जो आता है वो चाहिए, वो पसंद है, तो आप ले सकते हो। और अगर अफोर्डेबल की बात करूँ तो आप डेफिनेटली गो फॉर इट, ओके। तो आप ले सकते हो उसको। तो होपफुली ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, ये रिव्यू आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। जो लोग ख़रीदना चाह रहे हैं उनके लिए डेफिनेटली ये वीडियो तो अच्छी ही हुई होगी, और उन्हें बिना पैसे खर्च किए हुए इसका रिव्यू मिल गया। सो एक लाइक तो बनता है जब आपको मैंने इतना कुछ बताया डियर, तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। ओवरऑल जो भी है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने कभी आइकॉनिक लंदन का इल्यूमिनेटर यूज़ किया है या नहीं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाना, घंटी बजा जाना, ठीक है। सो अब मैं अलविदा लेती हूँ अपनी इस वीडियो के साथ, मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, यू सून, मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।